ना थके है अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके है अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए तो अपना सफ़र अब भी जारी है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की प्री परीक्षा की एग्जामिनेशन डेट को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 प्री एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। कंप्लीट डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर, आपकी जो नए वाले पैटर्न पर आधारित 100 नंबर वाली जो टेस्ट सीरीज ना, वो कब तक आने वाली। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, 2-3 दिन पहले हमने ये टेस्ट सीरीज वो लॉन्च की थी, और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब भी पता नहीं होगा। तो नए वाले पैटर्न पे आधारित आपको टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी टेक्निकल जॉब ज्ञान पे, जिसमें आपको 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, यानी कि उसी हिसाब से ये टेस्ट दिए गए जो कि आपकी परीक्षा होने वाली है। टोटल सिलेबस के हिसाब से 100 नंबर के आपको 100% मिलेंगे, और इन 10 आपके टेस्टों के साथ में आपको टॉपिक वाइज आपको टेक्निकल के 10 टेस्ट और मिलेगी, यानी कि टोटल मिलाकर के आपको इसके अंदर 20 टेस्ट मिल रहे हैं। और जब टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी उस दिन मैंने आपको बताया था भी 2-3 दिन के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्चिंग का डिस्काउंट ऑफर रहेगा, लेकिन अब भी हमने प्राइस को उतना इंक्रीज नहीं किया है। अभी जो आपका ईद का त्यौहार है उसको देखते हुए आपके एग्जामिनेशन की डेट है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है, तो अभी भी टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 70% हमने डिस्काउंट ऑफर दे के रखा है, और हमारे नोट्स वगैरह सभी चीजों पर हमने अच्छा खासा डिस्काउंट दे रखा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड कर लेना, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। और हेल्प एंड सपोर्ट के लिए यहां पे मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं। और अगर आप टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हो तो हर संडे को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को आप जरूर अटेंड करना, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लगभग आपके पास में 1 महीने का टाइम है। तो अभी वो टाइम है नोट्स पढ़ करके चीजों को रिवाइज करना, उसके बाद में पैटर्न पर आधारित आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और जिस भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत हो रही है तो उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ करके आपकी जो गलतियां हैं, जो चीजें आपने अच्छे से नहीं कर रखी है, उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से पढ़ना, ये आपके पास में 1 महीने का टाइम है। इसके अंदर बात कर लेते आपके एग्जामिनेशन को डेट को लेकर के, दोस्तों 20 मई से लेकर के 26 मई के बीच में आपके एग्जाम होने वाले हैं। पहले श्यामराज जी शर्मा की तरफ से ट्वीट आया था, और उसके बाद में काफी सारे सोशल मीडिया पे और भी सोर्सेज से इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। हालांकि काफी बच्चे अब भी यही बोल रही है कि मतलब ये जो न्यूज है वो ऑथेंटिक नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। देखिए, जमाना बदल गया है, आज के टाइम में सारी चीजें वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नहीं आती, और भी काफी सारे सोर्सेज है। हालांकि ये जो आपकी 20 से 26 मई की जो डेट बताई गई है ना, ये मतलब क्या है कि सही है, 20 से 26 मई के बीच में आपके एग्जाम होने वाले, ये ऑथेंटिक न्यूज है। देखिए, यहां पे जनसंपर्क अनुभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, और उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, विद्युत वितरण निगमों में तकनीकी सहायक तृतीय के पदों पर भर्ती हेतु प्रथम चरण की परीक्षा 20 से 26 मई के बीच में होने वाली है। 1512 पदों पर भर्ती को लेकर के प्रथम चरण की परीक्षा की तिथि है वो घोषित कर दी गई है, और आपके एग्जामिनेशन की जो सेंटर है वो टोटल मिलाकर के राजस्थान के अंदर ही रहने वाले, और टोटल मिलाकर के 10 जिलों के अंदर आपके सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए, 4 फरवरी को विज्ञापन जारी किया गया था, 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपके आवेदन लिए गए थे, और 1,67,873 विद्यार्थी है वो मतलब क्या कि इन्होंने आवेदन कर रखा है, लगभग 1,70,000 बच्चों ने आवेदन कर रखा है। अब काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब एग्जाम को अटेंड करेंगे, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे एग्जाम को अटेंड भी नहीं करेंगे, तो 1,70,000 फॉर्म भर गए, टोटल 1,512 पद यहां पर इन्होंने बता रखे, तो कंपटीशन प्री एग्जाम के अंदर कोई ज्यादा नहीं रहने वाला, और 10 गुना अभ्यर्थियों को प्री एग्जाम के अंदर पास करेंगे, यानी कि लगभग आपकी 1512 पद है तो 10 गुना कर लीजिए, लगभग आपको 15-16 हजार बच्चे प्री एग्जाम को क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, वो द्वितीय चरण की जो परीक्षा यानी कि जो मेन एग्जाम है उसकी डेट है वो अलग से घोषित की जाएगी, अभी उसकी डेट है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। तो एक अब तो अभी आपको क्या करना है, 20 से 26 मई तक आपके एग्जाम होने वाले, लगभग अभी आपके पास में 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, बुक वगैरह अभी आप नहीं लेना, उनको तैयारी करना वो सभी मूर्खता होगी, 1 महीने के टाइम के अंदर उनको आप नहीं कर पाओगे। या तो अगर आपने पहले से तैयारी कर रही है, नोट्स कर रखे हो, नोट्स वगैरह आपने बना रखे अच्छे से, तो उनको आप रिवाइज कर लो और अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा लो, टेस्ट सीरीज वही लगाना जो नए वाले पैटर्न पे आधारित हो, ताकि आपको पता चल सके भी मेरा स्कोर कार्ड इतना आ रहा है, इतनी मुझसे गलतियां हो रही है, और इस टॉपिक की चीजें मैं मतलब गलत कर रहा हूं, तो उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ लेना। और अगर आपने नोट्स वगैरह आपने नहीं बना रखे तो हमारे खुद के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही शानदार आपका मतलब कंप्लीट टेक्निकल का कंटेंट दे के रखे, तो वो नोट्स आप मंगवा
मंगवा सकते हो, 2-3 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाएंगे। बाई पोस्ट हम उन नोट्स को भेजते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और स्क्रीन पे मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इनके जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अच्छे से मेहनत करना, 1 महीने का टाइम है इसके अंदर, मतलब क्या कि आप 0 भी बन सकते हो। और अगर आप 0 और अच्छी सी मेहनत करते हो अच्छी लाइन के अंदर सही डायरेक्शन में, तो आप 0 से हीरो भी बन सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। 1 महीने आप सब कुछ भूल जाइए, केवल और केवल आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।